क्वेश्चन नंबर 21 कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ये है हमारे पास, तो हमें इसका वैल्यू 9x+4y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं mod 3x को ±3x एंड प्लस mod 2y को ±2y लेस देन इक्वल टू 1। तो अभी यहाँ से हम इनको इनइक्वालिटी बना लेते हैं। पहले एक बार प्लस ले लेते हैं 3x, ये चार इनइक्वालिटी बनेंगी, कौन कौन सी वो देख लेते हैं। 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/1/3 +y/1/2 लेस देन इक्वल टू 1। ऐसे इसको लिख सकते हैं x, दूसरी वाली को x/1/3 माइनस प्लस y/-1/2 लेस देन इक्वल टू 1। ऐसे थर्ड वन को लिख सकते हैं x/-1/3 प्लस y/1/2 लेस देन इक्वल टू 1। ऐसे फोर्थ वन को लिख सकते हैं x/-1/3 प्लस y/-1/2 लेस देन इक्वल टू 1। अब इन फोर इनइक्वालिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करें इस तरीके से, तो पहली वाली हो जाएगी हमारी इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 1/2 1/3, 0, और ये हो जाएगा 0, 1/2। और इसमें हम देखें फर्स्ट इनइक्वालिटी में ओरिजिन लाई करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ हम 0 रखेंगे, 0, 3 × 0 एंड 2 × 0, 0 < 1, तो ओरिजिन लाई करेगा, तो हमारा अंदर वाला रीजन आएगा ये वाला, ठीक है, इस साइड का। ऐसे ही दूसरी वाली इनइक्वालिटी ड्रॉ, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, रीजन बाद में देखेंगे। तो दूसरा वाला है x/1/3 पॉजिटिव और y/-2, ये तो 0, -1/2, तो ये हो गई दूसरी इनइक्वालिटी। ऐसी थर्ड इनइक्वालिटी है ये -1/3, ये -1/3 0 और -1/2, 0, ये थर्ड इनइक्वालिटी हो जाएगी आपकी। ऐसे फोर्थ को ड्रॉ करेंगे तो फोर्थ इनइक्वालिटी आ जाएगी ये इस तरीके से। अब इन चारों इनइक्वालिटी को देखेंगे, इसमें दूसरी वाली में ओरिजिन लाई कर रहा है, हाँ करेगा इसमें भी, ऐसे ही इस वाली थर्ड वाली में भी ओरिजिन लाई करेगा, ऐसे ही फोर्थ वाली में भी ओरिजिन लाई करेगा, तो ये वाले पार्ट हो गए। और हमारे अब हमें देखना है, हमसे पूछा है कि 9x+4y का मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास फोर पॉइंट है, 0, 1/2, तो पहले पुट करके देख लेते हैं। 9, 0, 1/2 पर, तो 0, 1/2 पर आ जाएगा 9 × 0 + 4 × 1/2 मीन्स ये आ जाएगा आपका 2। फिर हम देख रहे हैं 1/3, 0 पे, 1/3, 0 पर, तो ये आ जाएगा 9 × 1/3 + 4 × 0, तो ये आ जाएगा आपका 3। ऐसे ही ये वाले पॉइंट पे देखते हैं 0, -1/2 पर, तो 0, -1/2 पे 9 × 0 + 4 × -1/2, ये जाएगा -2। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट है 1/3, 0, इस पे देखेंगे तो इस पे आ जाएगा 9 × -1/3 + 4 × 0, तो
तो इस पर आ जाएगा माइनस के 3। हमसे बोला था इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ये का 2 आया है, 3 आया है और आया है -3 और एक आया है -2। तो मैक्सिमम कौन सा है? 3 है मैक्सिमम वैल्यू। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी। और मैक्सिमम वैल्यू अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3,0 पे ही मैक्सिमम है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, तो एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें 3 -√5। अब क्वेश्चन में हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। अब यहाँ पे आ रहा है रूट एक्स, तो यहाँ पे एक्स है, तो रूट एक्स मतलब इसका रूट निकालना पड़ेगा, तो इसका रूट निकालना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये किसी न किसी का स्क्वायर है, तो क्वेश्चन में हम जब रूट निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो हम इसको पहले स्क्वायर बना लेते हैं, देखते हैं किसका स्क्वायर है। एक्स इज इक्वल टू, और ये देखने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 माइनस अपनी साइड से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 तो रहने देना है ऐसे ही, क्योंकि हमें 2ab का फॉर्म लाना होता है, -2ab, और नीचे वाले 2 को √2 × √2 कर देंगे। तो अब हम देखेंगे फॉर्म बनाने के लिए, ये 2 तो ऐसे रखेंगे, एक इसको ले लेंगे और इसको अलग ले लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा √5/√2, और ये बचेगा √2 और ऊपर 1, -1/√2। माइनस इसीलिए क्योंकि बीच में माइनस है, का होल स्क्वायर आ जाएगा ये। तो एक्स का वैल्यू आ गया हमारा √5/√2 -1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम यहाँ से रूट एक्स का मिल गया अभी, ठीक है। तो अभी हम इसका वैल्यू और निकाल लेते हैं, √3x-2 का। √3x-2 का क्या होगा? √3x की वैल्यू क्या है? 3 -√5 -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 9 -3√5 -2, तो यह आ जाएगा 7 -3√5। अब ये देखेंगे कि ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 7 -√2 √5/√2 × √2। तो इसको तो ऐसे से रखेंगे कि 2ab का फॉर्म है। इसमें हम फिर से ऐसे ही करेंगे, इसमें कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे कि ये स्क्वायर बन जाए इजीली। तो अब क्या हम ले रहे हैं 3/√2 और एक ले रहे हैं √5/√2। तो देखना, अगर हम √3 √2 -√5/√2 का होल स्क्वायर करेंगे, इसको ओपन करेंगे अगर इसको, तो यही वापस आ जाएगा। हमें देख लेना है कि कैसा फॉर्म बनना है, उस हिसाब से लेना है, ठीक है, कंपेयर करके -b के होल स्क्वायर से। तो ये आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 3/√2 -√5/√2। वैल्यू पुट कर देंगे रूट एक्स की, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी ये, तो रूट एक्स आ जाएगी, तो स्क्वायर हट जाएगा, तो जाएगा √5/√2 -1/√2/√2 प्लस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3 -3/√2 -√5/√2। ऊपर √2 एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ जाएगा √5 -1, नीचे √2 एलसीएम आएगा, तो ये आ जाएगा 2 + 3 -√5, या √2 एलसीएम वाला √2। तो ये √2 से √2 कट, ऊपर बचा √5 -1, अपॉन नीचे बचा 5 -√5। तो हम ऐसा करें, यहाँ लिख लेते हैं
ऊपर वाला रूट 5 माइनस 1 एज इट इज, नीचे से हमने कॉमन लिया रूट 5, तो यहाँ बचेगा रूट 5 माइनस 1, रूट 5 माइनस 1 से रूट 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1/√5, ऑप्शन डी। 23, x³ + y³ + z³ इफ़ x + y + z = 0। तो ये तो फार्मूला है, इफ़ x + y + z = 0 तो x³ + y³ + z³ = 3xyz। 24 है ये, हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x³√x = 2.5600 से करेंगे तो 256, और ये आ जाएगा x·(x³)√3 = 256। जाएगा 256, इसको लिखेंगे x⁴/3 = 256, यहाँ से x निकालेंगे तो 256 की पावर आ जाएगा 3/4, तो हम 256 को लिख सकते हैं 2 पावर 8, 3/4, तो 2 की पावर 8 × 3/4 2, तो 2 पावर 6 आ गया, 2 पावर 6 मीन्स 64। ऑप्शन सी 25। 25 कैसे करेंगे, mod x+3 > 10 = 10, तो हमें पता है mod x > a है, तो हमारा x की वैल्यू होती है -a, हाँ सॉरी, x बिलोंग्स टू होता है -∞ से -a, यूनियन a से इन्फिनिटी, तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा x+3, मोड हट जाएगा, x+3 = x+3 बिलोंग्स टू, आ जाएगा आपका -∞ से -10 यूनियन 10 से इन्फिनिटी, लेकिन हमें पूछा है एक्स, तो एक्स पूछा है तो ये 3 को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x belongs to -∞ में से 3 माइनस होगा तो -∞ ही होगा, और -10 में से -3 माइनस किया तो -13 यूनियन, इसमें से 3 माइनस किया 7, इन्फिनिटी से मैं 3 माइनस किया ये, तो विच ऑप्शन, -∞ से 13, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर दिस 26, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 9x - 2 > 10 = ये आ जाएगा 25x − 2 − x, 9x − 16, 50 − 25x, इसको इधर ले आएंगे तो जाएगा 34x, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई रॉन्ग है, यहाँ पे आएगा 18, तो 25x को इधर ले 25 और ये ग्रेटर देन, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 68, तो एक्स की ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 34 डिवाइड में आ जाएगा 2, तो एक्स ग्रेटर देन 2 मीन्स, तो ये आ जाएगा, इसका मीनिंग आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी, सॉरी ओपन इंटरवल, इधर ओपन आएगा इधर क्लोज आएगा, ऑप्शन सी। 27, mod x+1 > x+4,
क्या सॉल्व करेंगे इसको? इसमें दो कंडीशन बन गई, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, तो ये ले रहे हैं तो ये आ जाएगा टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन एक्स प्लस फोर। इसको सॉल्व करेंगे, टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन एक्स प्लस फोर, तो ये आएगा एक्स ग्रेटर देन टू। ठीक है, दूसरा कंडीशन आ गई, एक्स प्लस वन लेस देन ज़ीरो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टू, माइनस में आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स प्लस फोर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस के थ्री एक्स ग्रेटर देन सिक्स, तो ये आ जाएगा एक्स लेस देन टू, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब इसको अगर हम देखें, इसको नंबर लाइन पे शो करें, तो एक्स ग्रेटर देन, ये तीन नंबर आए हैं हमारे, कौन कौन से? एक तो ये एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, तो माइनस वन आ गया आपका यहाँ पे, और एक्स ग्रेटर देन माइनस वन दिया है, तो माइनस वन से ग्रेटर तो यहाँ जाएगा ये इस तरीके से। और दूसरा है एक्स ग्रेटर देन टू, एक्स ग्रेटर देन टू, एक्स ग्रेटर देन टू, एक्स ग्रेटर देन टू आ जाएगा ये, ठीक है। और अब एक्स लेस देन टू, एक्स लेस देन टू में आ जाएगा ये, और ये आएगा आपका, ये भी बाकी रह गया है एक्स लेस देन माइनस वन, एक्स लेस देन माइनस वन, तो ये आ जाएगा ऐसे। तो कॉमन कौन सा रहा? कॉमन आएगा आपका ये, कॉमन आया ये रीजन। फिर से प्लॉट कर रहे हैं इसको, पहले हम ये कंडीशन कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन ये वाली, केस वन फर्स्ट, और ये था सेकंड। तो पहले फर्स्ट को प्लॉट कर रहे हैं, फर्स्ट है हमारी एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, माइनस वन ग्रेटर देन दिया है इक्वल टू, तो ये पॉइंट इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल का साइन भी है ना। और दूसरा है एक्स ग्रेटर देन टू, एक्स ग्रेटर देन आ गया टू, तो ये आ जाएगा आपका एक्स ग्रेटर देन टू। ठीक है, अब दूसरा केस, दूसरा केस था एक्स लेस देन माइनस वन, एक्स लेस देन माइनस वन मतलब कि ये लेस देन माइनस वन में ये आ जाएगा, एक्स लेस देन टू, एक्स लेस देन टू में आया ये। ठीक है, अब हम कॉमन रीजन देखेंगे, तो ये आ रहा है आपका कॉमन रीजन, एक तो ये आया कॉमन रीजन दोनों में, और एक आया ये, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन टू से इन्फिनिटी। कुछ गड़बड़ हो रही है बार बार, वेट, ये गड़बड़ कर रहे थे हम, यहाँ माइनस टू है, इधर माइनस टू था। अब प्लॉट करेंगे, तो इस केस के लिए लें, अगर हम फर्स्ट केस के लिए, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन, माइनस वन ये आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन दिया है, तो ये ग्रेटर के लिए दिस साइड है ना। और दूसरा आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन टू, तो ये आ गया यहाँ से, ये वाला कॉमन इस तरीके से। ठीक है, अब इसका देखते हैं सेकेंड केस का,
एक्स लेस देन माइनस वन, एक्स लेस देन माइनस वन में आ जाएगा ये आपका ये वाला पार्ट, और ये है दूसरा एक्स लेस देन माइनस टू, एक्स लेस देन माइनस टू मतलब ये वाला पार्ट। तो हमें कॉमन देखना होगा सॉल्यूशन के लिए, तो कॉमन ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस पार्ट को देखेंगे, ये है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, ओपन इंटरवल है टू पे, क्योंकि इनइक्वलिटी पर इक्वल का साइन नहीं था, एंड यूनियन टू से इन्फिनिटी, टू से इन्फिनिटी यहाँ पे भी ओपन इंटरवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पावर x, 2 पावर x प्लस 2 पावर 1 माइनस x माइनस 3 लेस देन 0। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 पावर x प्लस 2 अपॉन 2 पावर x माइनस 3 लेस देन 0। 2 पावर x से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये आ जाएगा 2 पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 ही रहेगा, माइनस 3 इंटू 2 पावर x लेस देन, यहाँ इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 2 की पावर x को कुछ ले लेते हैं k, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 k लेस देन 0। फैक्टर सही से लिख लेते हैं, माइनस 3 k प्लस 2, तो फैक्टर लेस देन इक्वल टू 0, फैक्टर कर लेते हैं हम इसके, तो यह आ जाएगा k माइनस 1 एंड k माइनस 2 लेस देन 0। तो इनइक्वलिटी पे हम शो करें इसको, तो यह आ जाएगा k को हमने लिया था 2 पावर x, तो यह आ जाएगा आपका 1 एंड 2 प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन वाला ये पार्ट लेना है, तो k बिलोंग करेगा आपका 1 से माइनस 1 से 1 से ग्रेटर एंड लेस देन 2। k को हमने लिया था 2 पावर x, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 2 पावर 0 2 पावर x, और इसको लिख सकते हैं 2 पावर 1, तो x आ जाएगा 0 से 1, मीन x बिलोंग्स टू 0,1। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए 28, क्वेश्चन नंबर 28, 29। क्वेश्चन नंबर 29 को भी मिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो हमसे पूछा है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम एलसीएम ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा का माइनस के बी अपॉन ए मीन्स 5 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का सी अपॉन ए माइनस के 7/2, और इसका आ जाएगा नीचे अल्फा बीटा सा माइनस 7/2 मीन्स 49/4, उसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 25/4 प्लस 7 अपॉन 49/4, इसको 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 28 53 अपॉन 4 अपॉन 49/4, 53/49 ऑप्शन बी 31। तो कैसे करेंगे, 1/4 2 माइनस x ग्रेटर देन 1/3 4 माइनस x प्लस 1/2
तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 4 4 माइनस एक्स प्लस 6, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 एक्स ग्रेटर देन 16 माइनस 4 एक्स प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन 22 हो जाएगा ये, और 6 इधर आ जाएगा तो 16, एक्स ग्रेटर देन 16 ऑप्शन बी 32। ये इक्वेशंस दी हुई है हमें, दो टू हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू। वैल्यू पुट क्या पूछा हमसे, ए के ऐसे मानों की संख्या जिनके लिए इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, तो ए के कितने मान होंगे ना इन्फिनिटी सॉल्यूशन के लिए, ए के ऐसे मानों की संख्या पूछी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो ए वन की वैल्यू है ए प्लस वन अपॉन ए टू की वैल्यू है ए, बी वन की वैल्यू है 8, बी टू की वैल्यू है ए प्लस 3 एंड ए सी थ्री की है 4A अपॉन 3A माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे, पहले इन दो को सॉल्व कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4A प्लस 3 इज इक्वल टू 8A। ये सॉल्व किया, ए स्क्वायर माइनस 4A प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस 3 ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 3 और ए इज इक्वल टू 1। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को, तो फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3A² प्लस 3A माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 4A² तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2A प्लस 1, तो यह आ जाएगा ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 1,1। तो ए के जो वैल्यू आ रहे हैं 1, 1, 1 एंड 3, तो केवल 2 ही वैल्यू आ रहे हैं ए के, क्योंकि बाकी तो सेम है 1, 1, 1, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, 7x³ प्लस 11 ग्रेटर देन एक्स क्यू, 7x² इधर x³ प्लस 17x, इसको ठीक से लिख लेते हैं, x³ माइनस 7x² प्लस 17x माइनस 11 लेस देन 0। ठीक है, तो इसको हमें पूछा है कि एक्स के सभी मानों के लिए संतुष्ट है, मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है, एक्स की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करें इसमें, सबसे पहले ऐसा करते हैं हम इसको फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर कैसे करेंगे, तो पहले पुट करके देख लेते हैं, एक्स माइनस वन इसमें एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, 1 का क्यूब 1 माइनस 7 प्लस 17 माइनस 11, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स 17, हाँ 0 आ रहा है, तो ये एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर है, तो एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर है इसका, ठीक है, तो एक्स माइनस वन तो दूसरा क्या आ जाएगा वो करके देख लेते हैं, एक्स माइनस वन से डिवाइड कर लें इसको, x³ माइनस 7x² प्लस 17x माइनस 11, तो आ जाएगा x² x³
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस के 6x माइनस के 6x² प्लस के 6x, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसल, 11x माइनस 11 ये आ जाएगा प्लस के 11 टाइम्स, 11x माइनस 11 माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 0। तो ये आ गया इक्वेशन। अब इसके फैक्टर कर लो, तो इसके तो फैक्टर होंगे नहीं, तो इसको कैसे करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। शायद इसके जो है ना, इसके फैक्टर नहीं कर रहे हैं, इसके जो रूट्स आएंगे ना इमेजिनरी आएंगे, तो ये तो वैलिड नहीं होगा एक्स की वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पे इमेजिनरी वैल्यू आएंगे इसके, क्योंकि आप डी निकाल दो, डी इज वी स्क्वायर माइनस 4ac करके देख लो, वी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये जाएगा 36 माइनस 4 इंटू a1 इंटू 11, तो 36 माइनस 44, तो यार माइनस का 8, तो इसके रूट्स तो इमेजिनरी आ जाएंगे, तो केवल एक ही रियल रूट रहा हम पे एक्स माइनस वन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 लेस देन 0, तो इसके तो इमेजिनरी रूट आएंगे, इसको छोड़ देंगे, तो एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0 को ले लेंगे, तो हमारा माइनस वन 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 लेस देन 0 है, तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी से वन, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वन से इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से वन, हाँ माइनस इन्फिनिटी ऑप्शन सी। अब देखेंगे इसमें के मानों की संख्या जिसके लिए रैखिक समीकरण नॉन जीरो सॉल्यूशन है, क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, और नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 4 एंड के एंड 2 और दूसरा के, 4 एंड 2, 2 एंड 4, 2 4 नहीं 1 सॉरी, 2 1 एंड 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, ओके की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 4, तो 4 माइनस 2, तो 2 आ जाएगा माइनस के माइनस 2 प्लस 2, 2 के माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 8 माइनस के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 4 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 6 के माइनस के स्क्वायर प्लस 6 के माइनस 8 इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये जाएगा के माइनस 4 एंड के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू आ गया 4 और के इज इक्वल टू आ गया 2, तो ऑप्शन के 4 है ही नहीं, ऑप्शन ए। इसमें दिया गया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर 0.5 से कम है, सपोज अगर रूट इसके अल्फा बीटा है, तो उनका अंतर 0.5 से कम दिया है, तो ए के संभव मान, तो ऐसा करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लेस देन 5, और इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इसके प्लस पर हमने ये लिख दिया लेस देन 5,
तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम लगा देंगे माइनस के बी अपॉन ए, मतलब ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के 4 अल्फा बीटा। तो माइनस के 4 अल्फा बीटा हो गया आपका, अल्फा बीटा की वैल्यू है 1, तो माइनस का 4 आ जाएगा लेस देन 5। तो ए स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, तो ए माइनस 3 एंड ए प्लस 3 लेस देन 0। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस 3 एंड 3, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, और हमें चाहिए लेस देन 0, तो हमारा आ जाएगा ये वाला रीज़न, माइनस 3 से 3 ओपन इंटरवल ए। क्वेश्चन नंबर 36, वैसे तो ये बहुत लॉन्ग है क्वेश्चन। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे, फिर वहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक और बार होल स्क्वायर करेंगे, तो ए फोर प्लस बी फोर प्लस सी फोर की वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, तो कुछ कट हो जाएगा, तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है, हम ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट वे में कैसे करेंगे। हमें कंडीशन दी है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से अपनी साइड से मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 1 एंड सी इज इक्वल टू 0। देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, ए की पावर 4, 1 की पावर 4 1, बी की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 1, सी 0 है तो 0 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। तो ऐसे आसान रहेगा, इस तरीके से करना है ये सॉल्व, है ना। द पेयर ऑफ इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 5 हैज़ सॉल्यूशन। तो पेयर ऑफ देखते हैं इसको, ये तो इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सेस, तो ये वाई इज इक्वल टू 0 हो गया एक्स एक्सेस, और दूसरा दिया वाई इज इक्वल टू 5, तो वाई इज इक्वल टू 5 करीब 1 2 3 4 5, तो ये वाई इज इक्वल टू 5 हो गया। तो इसमें पूछा है समीकरण तो यूम के हल, तो ये दोनों तो पैरेलल लाइन है, तो कोई हल आएगा नहीं इनका, तो इनका आ जाएगा नो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे इसी वीडियो में। चलो फिर से कर लेते हैं। बहुपद के शून्यक माइन एक शून्यक माइनस वन है, तो हमें पता है अन्य दो शून्य का गुणनफल। तो ऐसा करो, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के डी अपॉन मीन माइनस का सी। तो ये माइनस वन, एक शून्य दिया हुआ है माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन अल्फा माइनस वन ले लेते हैं, तो बीटा गामा आ जाएगा सी, लेकिन सी तो आंसर में दिया ही नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए मीन्स बी अपॉन ए। ये हो जाएगा, ये माइनस वन दिया था, तो माइनस के बीटा प्लस बीटा गामा और माइनस के गामा, ऐसा ये इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, ये तो हार्ड हो जाएगा। हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये माइनस बी अपॉन ए होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का ए, से भी नहीं, वेट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं अगर हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये आ जाएगा माइनस का ए, और बीटा प्लस गामा निकाल देंगे यहाँ से, इसका वैल्यू हम अल्फा का वैल्यू माइनस वन, तो आ जाएगा माइनस के ए प्लस वन। और अभी हमारे पास एक और है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए मीन्स बी। तो अगर यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू माइनस वन रखें, तो माइनस बीटा प्लस बीटा गामा और ये माइनस गामा इज इक्वल टू बी, तो
तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें, अगर हम बीटा गामा की, तो बीटा गामा की वैल्यू तो हमें निकालनी है ना, तो बीटा गामा की वैल्यू, क्योंकि अन्य ये बोल है ना, अन्य दुश्मनों को के गुणनफल बराबर होगा, तो बीटा गामा अगर निकालें हम तो आ जाएगा बी प्लस बीटा प्लस गामा, तो बी प्लस बीटा प्लस गामा कहीं पर है, हाँ ये रहा, माइनस ए प्लस वन, तो ये माइनस ए प्लस वन, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए 40। 9√7 − 7√x −36 = −16, ये हो जाएगा आपका √x, सॉरी 2√x बचेगा ये, और ये हो जाएगा उधर जाके प्लस में, तो 20, तो √x = आ गया 10, x = स्क्वायरिंग कर रहे हैं 100, ऑप्शन डी 41। तो ये तो डायरेक्ट पता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा = था C/A, तो वैल्यू ऑफ सी सी ही है, अपॉन ए की वैल्यू ही है, तो ऑप्शन सी। इसमें 42 के ये दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस x² 99x + 127 जीरोस, इसके ऑप्शन दिए नहीं है, मैं अपनी साइड से लिख देता हूँ ऑप्शन, इसके यहाँ पे क्वेश्चन में दिए नहीं है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है बोथ पॉजिटिव, एंड ऑप्शन बी दिया है बोथ नेगेटिव, एंड ऑप्शन सी दिया है बोथ इक्वल, एंड ये ऑप्शन नहीं है, गलत है, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। तो हम ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, −B/A, मतलब माइनस के 99, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है इधर 127। तो यहाँ से हम देखें 2 रूट्स का जो सम है वो नेगेटिव आ रहा है, दो नंबर का सम नेगेटिव कब हो सकता है, या तो अगर ऐसा कुछ हो जैसे 2 नंबर का सम नेगेटिव कब हो सकता है, −1 −5 है, −+4 है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, बट नेगेटिव वाला बड़ा हो, लेकिन उनको प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, जबकि यहाँ पॉजिटिव है। दूसरा केस, 2 रूट का सम नेगेटिव कब हो सकता है, जब दोनों नेगेटिव हों, दोनों नेगेटिव हों, जैसे −5 −4 है, इनका प्लस करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि ये जो आंसर ऑप्शन बी होगा बोथ नेगेटिव। ये दिया है यदि समीकरण इसके मूल विपरीत चिन्ह के हो तो विपरीत चिन्ह के हो तो विपरीत चिन्ह के होंगे, सपोज अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और विपरीत चिन्ह के होंगे, तो इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, मतलब less than 0 आना चाहिए, तो अल्फ़ा बीटा C/A मतलब P −1/A 3, ठीक है ना, ये तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, P −1 < 0, और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, और इस तरीके से नेगेटिव लेना है ना हमें लेस देन वाला पोर्शन, तो ये आ जाएगा आपका 0 से 1, ऑप्शन बी 44। 2 बराबर, यदि 1 समीकरण के 2 बराबर, 1 is twice repeated, मतलब इसके ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट होंगे, एक वन है और तीसरा सपोज एक्स है, ठीक है, तो ये पूछा है कि इसमें से कौन सा कंडीशन होगा, तो हम अगर निकालें
तीनों रूट का प्लस, तो वन प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। और अगर हम निकालें यहाँ से तीनों का प्रोडक्ट, दो दो का प्रोडक्ट करके निकालें, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू x प्लस x इंटू 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मीन्स बी अपॉन ए, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अगर हम इन दोनों को देखें, कंपेयर करें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, तो इन दोनों को देखें तो हमारा 2x प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा -2 -x के। तो यहाँ से हम x का वैल्यू अगर निकालें तो ये आ जाएगा सॉल्व करके x इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू आप इनमें रखो, किसी एक में, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, चलो इसमें रख रहे हैं, -1 रखेंगे, तो ये -2 प्लस 1 -1 इज इक्वल टू बी अपॉन ए, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा -a। ठीक है, अब आप ऑप्शन चेक करो, ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है, ये ऑप्शन इसका ऑप्शन है ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू -b। अब इन चारों ऑप्शन में देखो आप, बी इज इक्वल टू -a केवल ऑप्शन ए में ही, ऑप्शन बी में ही आ रहा है, ए इज इक्वल टू -b या बी इज इक्वल टू -a है, और किसी में नहीं है। यहाँ पे -a -b है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी है, यहाँ पे भी ए इज इक्वल टू बी है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब x²-x+1 = 0 के मूल है, x²-x+1 = 0 के मूल है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो हमें पता है कि जब ये इक्वेशन होती है x²-x+1 = 0, इसके रूट्स होते हैं -ω एंड ω²-ω², और x²+x+1 = 0 होते हैं, तो इसके रूट्स होते हैं ω, ω²। ठीक है, ये याद रख लेना है। तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया आपका -ω, और बीटा इज इक्वल टू हो गया -ω², और हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स हैं α²β², तो α² की वैल्यू आ जाएगी ω², बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ω^4 मीन्स ओमेगा। तो अब जो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है उसके रूट्स हैं ω² एंड ω, तो अभी मैंने आपको बताया कि इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं ω एंड ω², और इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं -ω एंड -ω², तो आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो, जब इसके रूट्स ये आ रहा है ω² एंड ω, तो इक्वेशन क्या होगी इसकी, x²+x+1, तो ये आ जाएगा, ऑप्शन इसमें नहीं दिए हैं, ऑप्शन मतलब मिस हो गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा x²+x+1, x²+x+1 = 0, ये आंसर होगा। नेक्स्ट ये है, ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें x²-2x+4 = 0 के मूल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा है, तो हमसे पूछा अल्फा एन प्लस बीटा एन की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। तो ये वैसे तो बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा क्वेश्चन, डिमोवर थ्योरम से, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिमोवर थ्योरम सॉल्व करना होगा, लेकिन इसको शॉर्ट वे में सॉल्व करेंगे हम। हम एन का वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1, एन की वैल्यू 1 लेने से, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए मीन्स 2। अब ऑप्शन में एन की वैल्यू 1 रख के पुट करो इन चारों में, तो 2 आंसर कौन सा आ रहा है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 में रख रहे हैं, तो 2 की पावर n+1 मीन्स एन की वैल्यू 1, तो 2 की पावर 2 cos, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा cos π/3, तो यह आ जाएगा 4 cos π/3 का होता है 1/2, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन ए। 47 से पूछा है कि समीकरण दिस के मूल समांतर श्रेणी में है, क्यूबिक इक्वेशन है, और इसके मूल रूट्स है ना AP में दिए हैं, तो जब भी कभी क्यूबिक इक्वेशन हो तो हम उसके रूट्स लेते हैं a-d, a, a+d। तो अगर हम इन तीनों रूट्स का सम निकालें यहाँ से, हमसे पूछा है डी की वैल्यू पूछे, कॉमन
कॉमन डिफरेंस, तो सम होगा माइनस के बी अपॉन ए इज इक्वल टू 12, तो डी ए प्लस डी, हाँ ए प्लस डी, डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 इज इक्वल टू 12, ए इज इक्वल टू आ गया 4। अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो प्रोडक्ट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू, तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस के डी अपॉन ए मीन्स 28। ए की वैल्यू पुट कर दें अगर 16 माइनस डी स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 28, तो 4 को डिवाइड में ले आएंगे तो 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड माइनस के डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 9, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो डी इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 48, इसके एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी के एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री, दो फैक्टर दे रखे हैं, तीसरा फैक्टर फाइंड करना है, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालें 1 और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालें माइनस 3, तो पुट करें अगर एक्स की वैल्यू फैक्टर है ना तो सेटिस्फाई करेगा, 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1, ऐसे ही माइनस 3 रखेंगे, तो माइनस 3 रखेंगे तो ये -27 और ये आ जाएगा -3 है, प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये -3 ए प्लस बी इज इक्वल टू 27, एंड एक ऊपर वाली इक्वेशन थी हमारी ए प्लस बी इज इक्वल टू -1, अगर हम इस यहाँ से सॉल्व करें इसको माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा -4 ए इज इक्वल टू 28, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 7, ए इज इक्वल टू माइनस का 7 आ रहा है, ठीक है ना, तो ए इज इक्वल टू माइनस का 7, तो अगर हम ऐसे निकालें सम ऑफ रूट्स निकालें इसका, तीनों रूट्स का सम, तो अल्फा प्लस बीटा गामा तीनों रूट्स का सम आ जाएगा इसका माइनस का बी अपॉन ए मीन्स माइनस का ए, और ए का वैल्यू आ रहा है -7, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा तीनों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस, मतलब 7 आ रहा है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू -2 आ जाएगी और यहाँ से आ जाएगी 2, यहाँ से आ जाएगी 3। अब तीनों में कुछ गड़बड़ हुआ है, ए की वैल्यू नहीं गलत हो गया, हाँ अल्फा प्लस बीटा गामा, वेट ए का वैल्यू -7 आ गया है, तो अगर हम बी का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से इसमें रखें तो बी का वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक है बी का वैल्यू आ गया 8, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एक्स क्यूब प्लस ए की वैल्यू क्या थी -7x प्लस 8, यहाँ वैल्यू पुट कर दी ए और बी की, तो अब हमें तीसरा फैक्टर निकालने के लिए देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, -1 देखते हैं शायद माइनस ये वाला सेटिस्फाई कर जाए, -1 रखेंगे तो -1 -1 हो जाएगा यहाँ और ये हो जाएगा +7, और ये प्लस 8 -1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -2 भी नहीं करेगा, 2 भी नहीं कर रहा, -3 देख रहा है ये वाला, 3 देख रहा है, तो 327 -21 +8, तो थ्री -21 27, कुछ गड़बड़ हो गई फिर से,
देखिए यहाँ पे हमने अभी ए का वैल्यू -7 रखेंगे, तो यहाँ ए की वैल्यू -7 रखेंगे तो ये उधर जाएगा प्लस में, तो ए की वैल्यू जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 6। अब अगर हम इसमें रखें x³ - 7x + 6, ठीक है, तो अगर x=2 पुट करें तो ये 8 - 14 + 6 सेटिस्फाई कर जाएगा 14-, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक और तरीका है इसका, अगर हम यहाँ से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा निकालें तो ये होता है c/a, मतलब ए। तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 1 थी, बीटा की वैल्यू -3, तो -3 + बीटा -3 × गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 1 थी और ए की वैल्यू -7, तो ये -3 - 3 गामा + गामा = -7। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ नीचे, तो -2 गामा = -7 + 3 - 2 गामा = -4, तो गामा = 2। एक तरीका ये भी है, तो 2 आ जाएगा, मतलब x-2 फैक्टर है 48। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है के लिए कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो k is equal to, तो वैल्यू पुट कर देंगे 2/6, b की वैल्यू -k and -12 एंड 7/15। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24 एंड 4, ऑप्शन बी, ठीक है। आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।